हे गाइस, तो आप देख सकते हो मैं ले चुकी हूँ यहाँ पे तीन तरह का आइटम है दोस्तों। ये है कड़ी पत्ता, जैसा कि आप सब जानते हो कि कड़ी पत्ता हमारे हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है और ये हेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है दोस्तों। अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है तो सिर्फ आप इसी का तेल बना के लगाते हो, जैसे कि नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, उसमें आप इसको पका कर तेल को छान लो तो ये बहुत ही बेस्ट तेल रेडी हो जाता है गाइज। आपको हेयर फॉल है, डैंड्रफ है, तो ये बहुत ज़्यादा उसको क्योर करने में हेल्प करता है आपको। तो ये है करी पत्ता, आपके घर में अगर नहीं है तो इस पेड़ को जरूर से ज़रूर लगाइए, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, तो हेयर फॉल में अगर आप चाहो तो इसको सुबह सुबह चार, जो मैं क्या करती हूँ, चार जो इसका होता है ये लिप्स जो होता है पत्ता, एक दो तीन चार, ये मैं सुबह सुबह रोज़ गार्डन में जाती हूँ, छोटा सा मेरा गार्डन है उसी में से तोड़ती हूँ, सुबह सुबह मैं इसको च्यू करके पानी के साथ, गर्म पानी के साथ इसको मैं सुबह सुबह खाती हूँ। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका इंटरनली जो हेल्थ है वो भी अच्छा हो जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हो गाइज, ये है कड़ी पत्ता और ये है फ्लावर्स, जैसा सुंदर फ्लावर आप देख सकते हो, ये है गुलाब का फूल। ओके, तो ये है, ये हमारे बालों में ठंडक प्रदान करता है गाइज। गर्मी आ गई हैं तो आप चाहो तो इस तरह का मास्क बना के हेयर में रेडी कर सकते हो और उसके बाद लगा सकते हो। ये आपका जो भी हमारा जो सर होता है वो, जैसे कि गर्मी के टाइम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग को होता है ना पसीना अंदर अंदर बालों में, अगर हाथ डाल के देखोगे गर्मी में तो अंदर अंदर पसीना बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस वजह से क्या होता है गंदगी हो जाती है, डैंड्रफ हो जाता है। तो ये कूलिंग इफेक्ट देता है आपके स्काल्प को, आपके हेयर को गाइज, ठीक है। तो गर्मी में आपके घर में ये सब तो किसी को भी मिल जाएगा यार, अगर नहीं है तो अगल बगल कहीं ना कहीं जरूर ये सब पौधा लगा रहता है तो वहाँ से आप ला सकते हो। तो ये मैंने छः सात जो भी है उसका पत्तियाँ मैं इसको लूँगी खोल करके, ठीक है। तो ये है गुलाब का फूल, ये है कड़ी पत्ता और ये तो आप जानते ही होंगे ये क्या है, इतना सारा, ये कम से कम मेरे पास आई थिंक 30 पीस है गाइज। ओके, तो ये है अड़हुल का फूल और आप सब जानते होंगे कि ये कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारे हेयर के लिए। तो ये बालों को शाइनी करने में, सिल्की करने में, हेयर फॉल रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है गाइज। पता है अगर मार्केट का आप ले रहे हो पाउडर जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है गाइस, ठीक है। तो ओरिजिनल चीज़ों का बात ही कुछ और होता है, तो आप कोशिश क्या करो कि आप ओरिजिनल जो पेड़ होते हैं उसी में से तोड़ के डायरेक्ट यूज करो बालों में। अगर आपके पास नहीं हो पाता है, कहीं आप वैसे जगह पर रह रहे हो कि वहाँ पर आप लेवल नहीं हो पा रहा है, तब आप इसका पाउडर भी ले सकते हो, इसका भी पाउडर मिलता है गाइस, इसका भी पाउडर मिलता है, इसका भी पाउडर मिलता है। तो अगर आपके पास नहीं है कुछ वैसा पेड़ वगैरह तो आप पाउडर भी यूज कर सकते हैं, बट मेरे पास मिल। क्या करूंगी, मिक्सर में ग्राइंड करके पहले तो आपको इसको, ये जो पेटल्स है पीछे वाला, सिर्फ इसको निकालना है गाइज, ठीक है। हरा हरा जो है इसको सिर्फ निकाल देना है और ये सबको पत्तियां को मैं खोल लूंगी और डायरेक्ट कुछ नहीं आपने करना है, बस इसको पानी से हल्का सा वाश करके, एक पानी से, और आपको इसको मिक्सर ग्राइंडर में महीन जो भी होता है एकदम, ठीक है, उसमें आपको पीस लेना है। और ये जितना बड़ा आपको दिख रहा है ये बन के छोटा सा पैक बन जाता है गाइज, क्योंकि ये सब सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं ना, तो ये थोड़ा सा पैक बनेगा, जितना ये भरा भरा दिख रहा है इतना ये दिख, मतलब इतना बनता नहीं है गाइज, थोड़ा सा ही पेस्ट, मतलब इतना आपको बनेगा। तो अगर आपके लॉन्ग हेयर है तो आप 30 फ्लावर ले सकते हो इसका, 6 से 7 फूल इसका ले सकते हो और कड़ी पत्ता आप देख सकते हो कितना मैंने लिया है। तो अगर आपके छोटे बाल हैं तो आप 20 फ्लावर तो कम से कम लेना ही, क्योंकि यार ये बन के थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाता है ना, ये मतलब जो भी चटनी जैसा बन जाता है तो ये थोड़ा सा हो जाता है। मैं क्या करती हूँ, अगर आपको स्काल्प में सिर्फ लगाना है तो सिर्फ आप स्काल्प में लगाना चाहते हो तो आप 10 फूल भी लोगे तो भी चल जाएगा, सिर्फ आपको पूरे हेयर लेंथ में लगाना है तो आप पूरा ये सब जो भी, जैसे मैंने लिया है 30 पीस इसका, 6-7 पीस इसका है और ये इतना सारा है, तो आप अच्छे तरीके से बनाओ और भर भर के माथे में लगाओ, जो भी है पूरे स्काल्प से लेकर पूरे हेयर लेंथ में आपको लगाना है गाइस, ठीक है। तो इसको मैं पीसती हूँ, पीसने के बाद मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इसको, कितना टेक्सचर में किस तरीके से बनाया है। आप चाहो तो इसमें हनी भी मिला सकते हो, जैसे कि मैं थोड़ा सा एक चम्मच हनी मिलाऊंगी गाइज, आप चाहो तो मिला सकते हो, वो आपके बालों को और ज़्यादा सॉफ्ट करने में, क्योंकि ये सब जो भी है ना ये आपको कूलिंग इफेक्ट तो देगा ही, साथ में आपके बाल को बहुत ज़्यादा सिल्की और शाइन कर देगा गाइज। ओके, तो ये सारा मैं बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ गाइज। ओके, हे गाइज, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पीस लिया है सारा जो भी था, सबको मैंने पीस लिया गाइज, और मैं किचन में आके अपना पैक वो कैमरा सेट की हूँ गाइज, और मैं किचन में ही लगा रही हूँ, क्योंकि आप वैसे जगह पे पैक लगाएं जहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा होता है ना कि नीचे थोड़ा बहुत गिरता है गाइज, तो आप ऐसे जगह पे पैक को लगाएं जहाँ पे आपको आसानी से फिर आप उसको पोंछ सको, ठीक है। तो मेरा किचन अभी तक पोछाया नहीं था, मतलब जो बुआ थी वो पोंछ रही थी गाइज, तो मैं सोची कि चलो किचन में लगा लेती हूँ, तो इस वजह से मैं किचन में हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं पूरे स्काल्प को कवर करते हुए सारे पैक को मैं अच्छे तरीके से अपने फिंगर के हेल्प से, और आप अपने फिंगर के हेल्प से ही, अपने हाथों से ही गाइज पैक को लगाया करें, ब्रश वगैरह यूज ना ही किया करें, क्योंकि फिंगर की बात ही कुछ अलग होती है, ठीक है, अपना टच वो अलग ही होता है गाइज, ठीक है। तो
इसमें जो मैंने हिबिस्कस यूज किया है, ठीक है, आपने पता है हिबिस्कस का मास्क मैंने पहले भी बना के अपने चैनल पे डाला है, अगर आप नहीं देखे हो तो जाके पिछला वीडियो जरूर से वॉच करना गाइज। तो हिबिस्कस फ्लावर मैं यहाँ पे यूज इसलिए मैं की हूँ क्योंकि देखो पहले तो गर्मी का ये मास्क मैं रेडी कर रही हूँ। तो हिबिस्कस क्या होता है ना कि आपके जो हेयर फॉल हो रहे हैं, ठीक है, उसको रोकने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है गाइज, ठीक है। तो और समर मास्क है तो इसमें मैंने जो गुलाब का जो पंखुड़िया जो होती है उसको मैंने ऐड किया, ठीक है, गुलाब का फूल मैंने ऐड किया। वो क्या होता है कि अगर आपके समर में बहुत ज्यादा होता है ना कि स्काल्प बहुत ऑयली ऑयली हो जाते हैं, है ना, अजीब सा अंदर हाथ डालोगे ना मतलब बाल के अंदर में तो अजीब सा गरम गरम जैसा आपको फील होगा, ठीक है, तो उसको ये बहुत ही ज्यादा ठंडक प्रदान करता है। इस वजह से मैं यहाँ पे गुलाब का जो फूल है वो यूज की हूँ गाइज, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता यूज किया। कड़ी पत्ता से क्या होगा कि आपके जो बाल झड़ चुके हैं तो बेबी हेयर्स आना स्टार्ट हो जाता है गाइज उससे, ठीक है। अगर आप सुबह सुबह, जैसा कि मैं बताई पहले कि सुबह सुबह आप चार पत्ता खाते हो, कड़ी पत्ता अगर खाते हो गाइज आप सुबह सुबह खाली पेट, तो वो आपको इंटरनली आपका हेल्थ भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है, आपके स्किन का टेक्स्चर ज्यादा बहुत बेस्ट कर देता है गाइज। तो मैं पहले भी बोलती हूँ कि वही चीज आप खाया करें, सॉरी वही चीज आप लगाया करें जो आप खाते हो। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ अलग से कुछ दिमाग लगा के लगाना है गाइस, ठीक है। तो और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हनी ऐड किया है ताकि हनी जो हमारे बालों में सॉफ्टनेस होता है, ठीक है, सिल्कीनेस होता है, उसको प्रोवाइड करे, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून के तकरीबन मैंने हनी इसमें यूज किया है गाइस। और ये बेस्ट मास्क है यार फॉर समर, ओके। अगर गर्मिया में आप इसको वीक में 3 डेज लगाते हो ना यार, तो आपको डैंड्रफ की समस्या अगर है, ठीक है, हेयर फॉल हो रहे हैं बालों में, अगर टेक्सचर इसका बहुत ज्यादा ऑयली ऑयली आपका स्काल्प रहता है, ठीक है, आपके स्काल्प बहुत ज्यादा गरम गरम रहते हैं, तो इसको इस पैक को आप लगाने से क्या होगा ना, आपका जो टेम्परेचर है स्काल्प का वो भी नॉर्मल रहेगा और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है यार, ठीक है। ये नॉर्मल घर के चीजों से ही, हमारे गार्डन का चीज है यार, ये बेस्ट होता है, बेस्ट 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 मास्क है यार, ठीक है। इसको जरूर से आप ट्राई करो और वीक में कोशिश किया करो कि 2 टाइम्स तो आप यार लगाओ ही लगाओ, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने सारा को अच्छे से सेट करके लगा लिया है, स्काल्प और हेयर लेंथ को भी मैंने कवर किया गाइज। तो इसको ट्राई करो और रिजल्ट आके कमेंट बॉक्स में जरूर से आप शेयर करना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको बेस्ट लगेगा। और करना स्टार्ट कीजिए, रिजल्ट आपको खुद मिलेगा गाइज, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा हेयर पैक का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फैमिली फ्रेंड में शेयर करना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।